हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इवेपोरेशन। लास्ट क्लास में बच्चों हमने किया है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, वेपराइशन। अगर हम बॉइलिंग और वेपराइशन की बात करें तो वो प्रोसेस है जहां लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन होता है। अब जो इवेपोरेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो क्या दोनों प्रोसेस सिमिलर है या दोनों में कोई डिफरेंस है? और डिफरेंस है तो क्या है? क्या दोनों को इफेक्ट करने वाले फैक्टर सिमिलर है या डिफरेंट है? कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन। डेफिनेशन से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि डेली लाइफ में हम कपड़े धोकर सुखा रहे हैं, क्लोथ लाइन के ऊपर डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने इकट्ठे करके डाल दिए, उनको स्प्रेड करके हम डालते हैं और समर के अंदर वो 2-3 आवर्स में ड्राई अप भी हो जाते हैं। और ड्राई अप होने का मीनिंग है कि वाटर्स उनका जो है वो अपने लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में वो कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम बकेट फिल करके रखते हैं तो उसमें भी वाटर स्लोली अपने लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। या फिर हम बात करें कूलर की, तो समर के अंदर कूलर फिल करने के आफ्टर आपने उसको ऑन किया है तो 3 या 4 आवर आफ्टर, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो कहाँ गया? वो भी वेपराइज हो गया। दैट मीन्स अपने लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वो सारे प्रोसेस हैं जहाँ पर वाटर अपने लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या सारे प्रोसेस बॉइलिंग है? क्योंकि बॉइलिंग का मीनिंग होता है कि वहाँ पर हमने बबल्स की फास्ट मेकिंग और ब्रेकिंग करी थी, जो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर इन सभी चीज़ों का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुँच गया है, कूलर का टेम्परेचर 100 डिग्री है या क्लोज का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ हमने एक्स्ट्रा हीटिंग नहीं करी है। और टेम्परेचर एनवायरमेंट का इतना नहीं है कि वो क्लोज को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट दे या उसका टेम्परेचर रेज कर दे। तो फिर ऐसा क्या प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड अपनी गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है? कौन सा रीज़न है इसके पीछे? उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चों डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि जो इवेपोरेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड या ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच सकता। तो फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच रहा है तो लिक्विड एनर्जी कहाँ से गेन कर रहा है और कैसे वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो लिक्विड है वो एनर्जी गेन करता है अपने सराउंडिंग में। तो यहाँ नोट डाल लीजिए आप, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम वेस्ट ऑफ लिक्विड फ्रॉम सराउंडिंग और फ्रॉम द बॉडी दैट इज
इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल या रेस्ट ऑफ लिक्विड से, या फिर अपने सराउंडिंग से, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में ये हैं वहां से ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे। अब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स ये प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस, लाइक बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहां पर क्या सारा लिक्विड एक साथ वेपराइज होता है या फिर स्लोली स्लोली? तो बच्चों इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स या तो अपने सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं, या जिस बॉडी के वो कॉन्टेक्ट में है उससे ले रहे हैं, या फिर वो अपने जो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे हीट ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि जो इवेपोरेशन है वो एक साथ नहीं हो रहा है, वो एक स्लो प्रोसेस है और वो सरफेस से होता है। तो इसमें अगर हम क्या प्रोसेस है इसकी अगर बात करें, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ वेपराइज नहीं होते हैं। यहां पर हम किसी लिक्विड के स्ट्रक्चर देखें, सपोज कीजिए यहां पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, हम इनसाइड या जो सरफेस है कहीं से भी हम बात कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लाइक सरफेस मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं, तो यहाँ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जितना भी है उससे वो हीट लेते हैं। ये जो साइड वॉल्स है क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में, यहाँ से वो हीट गेन करते हैं, और अपने जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनसे वो हीट गेन करते हैं, और एक मॉलिक्यूल अपने जितना भी सराउंड है उसे हीट गेन करके इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड कर लेता है कि अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ गैस में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कन्वर्जन होता है। दैट मीन्स सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और ये कन्वर्ट हो गए अपने वेपर स्टेट में। क्लियर? तो ये एक प्रोसेस है जो सरफेस के थ्रू होता है, सरफेस फिनोमेना है और ये स्लो प्रोसेस है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स एंड सराउंडिंग दैट इज इनफ टू कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। और ये एनर्जी एक दूसरे के कोलिजन से मिलती है क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से टकरा देते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, जिससे उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है और फाइनली उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स का लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन। अब इसके और क्या फीचर्स हैं? इट इज सरफेस फिनोमेना, इट इज स्लो एंड साइलेंट फिनोमेना और साइलेंट प्रोसेस। क्लियर? तो ये हो गया इवेपोरेशन के बारे में, ये बल्क फिनोमेना नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे ये नहीं होता, इट टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर हम फैक्टर्स की बात करें, अफेक्टिंग
द इवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले हैं? तो फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीज, टेम्परेचर रेज होने पर इवेपोरेशन इंक्रीज होता है क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए हीट चाहिए, हमें बॉइलिंग नहीं करनी है पर सराउंडिंग से हीट चाहिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर रेज करने से मोर हीट मिलेगी, मोर हीट मिलने से इवेपोरेशन होगा। सेकेंड फैक्टर सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही इवेपोरेशन फास्ट होगा क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप होते हैं वेपर स्टेट के अंदर, तो सरफेस एरिया जितना ब्रॉड होगा उतना ही वेपराइजेशन होगा। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया evaporation increases, then third is the nature of liquid, nature of liquid। अब liquid के अंदर force of attraction molecules के अंदर जितना ज्यादा होगा फोर्स को ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट मीन्स वो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, तो जितने ज़्यादा फोर्स होंगे उतना ही इवेपोरेशन कम होगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे उसका इवेपोरेशन भी फास्ट होगा और जल्दी होगा, दैट मीन्स मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules, the rate of evaporation is slow, the rate of evaporation is slow। That means वो liquids जो easily evaporate हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं volatile liquid, या this nature is called volatile nature। Liquids that evaporate easily called volatile liquids, and this nature is called volatile nature of liquids। Next is the speed of wind। We have done 2-3 factors and इसमें example आप डाल सकते हैं like petrol, ether, alcohol, इस तरह के जो examples है acetone, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इजीली वोलेटाइल हैं। पेट्रोल को आप ओपन अगर रख दें तो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ ही मिनट्स में कुछ सेकंड्स में वो इवेपोरेट हो जाएगा इजीली। इसी तरह से ईथर एंड पेट्रोल जो है वो भी वोलेटाइल नेचर के सब्सटेंस हैं।
अपने सराउंडिंग से हीट लेकर ये इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विंड स्पीड, फोर्थ पॉइंट स्पीड ऑफ विंड। ऑन इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ विंड, इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेज। क्योंकि विंड, जब हम इवेपोरेशन किसी ऑब्जेक्ट का करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लोथ से ड्राई अप हो रहे हैं, तो उनका जो वाटर है या वेपराइज होकर अपने सराउंडिंग यानी क्लोथ के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर होता है, तो वहाँ की जो एयर है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सैचुरेटेड रहती है, तो वो मोर वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब जब विंड की स्पीड मोर होगी तो वो जो सैचुरेटेड एयर है विद वाटर वेपर्स वहाँ से रिमूव होती है, और वहाँ पर जो ड्राई एयर है, अनसैचुरेटेड एयर है जिसके अंदर वाटर वेपर्स नहीं है, वो उस प्लेस को टेक करती है, जिससे कि इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो विंड की स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी। और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन लिक्विड, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, जैसे कि रेनी सीजन में होता है बच्चों कि रेन के कारण जो एनवायरनमेंट है उसमें जितनी भी एयर है वाटर वेपर्स है सैचुरेटेड होती है, तो वो एक्सेस में और वाटर वेपर्स को गेन नहीं कर सकती। अब इस टाइम पे अगर हम क्लोथ्स को सुखाने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर वेपर्स हैं वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होती है, वो और वाटर नहीं लेना चाहती। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी रेज होने से इवेपोरेशन की रेट भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन रेट डिक्रीजेस। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, वेपोराइजेशन को या बॉइलिंग को अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना ना भूलें।